हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या सिखाऊंगा आपको, आइए आपको बताता हूँ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आज हम बात करने वाले हैं अपडेट क्वेरी के बारे में। ये अपडेट क्वेरी कैसे काम करेगी, क्या होगा, इन सब के बारे में हम करेंगे आज बात। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं अपडेट क्वेरी को यूज करना। तो यहां से चलेंगे क्रिएट पर। अब ये एक टेबल आपके सामने दिख रही है, ये टेबल वन के नाम से, और टेबल वन में देख सकते हैं यहां पर इटावा डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, यहां पे गोरखपुर की बात की गई है, फिर दिल्ली है, मुंबई है, फिर इटावा है, फिर इटावा है, फिर गोरखपुर है, फिर गोरखपुर है। हम चाहते हैं हम इटावा हटा करके यहां देवरिया कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम अपडेट क्वेरी का यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्वेरी डिजाइन पे चले जाएंगे। यहां से टेबल वन आ रही है, इसको ऐड करवा लेंगे। ऐड करवा लिया, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी, ये दोनों चीजें हमें लेनी है क्योंकि हम सिटी को ही करने वाले हैं अपडेट, ठीक है। यहां पर क्राइटेरिया आ रहा है, तो क्राइटेरिया में क्या डालेंगे, क्राइटेरिया में हमें डालना है इटावा, तो यहां पे लिख दिया इटावा, ठीक है, ये लिख दिया। डब्ल्यूटेड कोड्स के अंदर लिखेंगे, ये बात ध्यान देनी है आपको, और फिर हमें क्लिक करना है अपडेट पर। तो अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां इटावा आएगा और फिर अपडेट करने पे क्या आना चाहिए, तो यहां डब्ल्यूटेड कोड्स में लिख दीजिए देवरिया, तो ये देवरिया लिख दिया हमने। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा आइए चेक करते हैं। यहां से रन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट थ्री रोज। ये काम आप एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, वो मैं बता चुका हूं कैसे करना है आपको, ठीक है। आप सेम काम जो है यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यस कर दीजिए और यस करने के बाद आप देखेंगे तो ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहां पे आते हैं टेबल वन पर, तो यहां देखेंगे जहां जहां इटावा लिखा हुआ था वहां वहां देवरिया आ चुका है ना। चलिए हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं, यानी कि एक और क्वेरी बनाते हैं। तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे आते हैं। जैसे ही आएंगे टेबल आएगी, टेबल को ले लेते हैं और यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी दोनों को ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। अब यहां पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया में हमें क्या टाइप करना है, क्राइटेरिया में हमें टाइप करना है वो सिटी का नाम जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर अभी हम चेंज करेंगे दिल्ली को, दिल्ली का नाम चेंज करके हम क्या दे देंगे, देहरादून दे देंगे, ठीक है। यानी दिल्ली की जगह हमें रखना है देहरादून, तो यहां पर हमें लिख देना है दिल्ली टाइप करेंगे, ठीक है। क्राइटेरिया है दिल्ली और फिर यहां से हम जाएंगे अपडेट पर, अपडेट ऑप्शन हमें नजर आएगा अभी, ठीक है। तो ये देखिए यहां से आए डिजाइन पर, तो यहां पर अपडेट ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए अपडेट पर। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर अब आपको देना है देहरादून, तो डब्ल्यूटेड कोर्स में लिख दीजिए देहरादून, देहरादून, तो ये लिख दिया देहरादून। अब इसको बंद कर दिया डब्ल्यूटेड कोर्स को। अब देखिए होगा क्या, जहां जहां दिल्ली आया था, एक ही जगह आया था मुझे लगता है, वहां पर देहरादून ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए ये कह भी रहा है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रोज, ठीक है। तो यस कर दीजिए, बस हो गया काम, ये यस कर देने से आपका काम हो जाता है। यहां पे डबल क्लिक करके देख लेते हैं, यहां पे देखिए जहां दिल्ली आया था वहां देहरादून हो चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप अपडेट करेंगे तो अंडू जो कमांड है उसको परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा, यानी कि उसको अंडूइंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अभी देख सकते हैं यहां पे राम लिखा हुआ है और राम का नाम हम चेंज करना चाहते हैं। यहां पे स्टूडेंट का नाम गलती से राम पड़ गया है, यहां पर कुछ और नाम देना था, ठीक है, लाइक कोई भी नाम यहां पर हम ले सकते हैं। तो इसके लिए क्वेरी बनानी है, तो यहां से चलेंगे क्रिएट पर, फिर जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर और फिर टेबल वन को ऐड करा लेंगे और जिन जिन फील्ड्स को लेना है ले लेंगे, दो ही फील्ड्स हैं हमारे पास तो इसी को लेना है, ले लिया हमने। यहां पे क्राइटेरिया में क्या देंगे, क्राइटेरिया में दे देंगे राम, ठीक है, क्योंकि राम का ही नाम हमें करना है चेंज, तो डब्ल्यूटेड कोर्स में राम दे दिया और यहां पर अपडेट पे क्लिक किया। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर कहेगा अपडेट टू, क्या अपडेट करना चाहते हैं, राम के जगह क्या लेके आना चाहते हैं, तो यहां पे लिख देता हूं मैं सूरज, एस यू आर ए जे, ये नाम हम लेके आना चाहते हैं। तो जहां जहां राम आया होगा वैसे एक ही जगह आया है तो वहां पे सूरज हो जाएगा। तो यहां पे क्लिक किया तो ये देखिए ये लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू अपडेट वन रोज, तो यहां से यस कर दीजिए और अब आप टेबल पे चले जाइए और अब आप देख सकते हैं राम यहां पर आया था सबसे पहले तो उसकी जगह सूरज हो गया। अब यहां पर देखिए महेश तीन बार आया है, ये देखिए ये एक दो और आई थिंक दो बार आया है, तो ये दो बार जो महेश का नाम आया है इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं, महेश के जगह हम कुछ और रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए शैलेश रखना चाहते हैं।
तो इसके लिए वापस से बनाएंगे क्वेरी, यहां पे जाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, इसको ले लेंगे, ऐड करा लेंगे। ऐड कराने के बाद नेम ऑफ स्टूडेंट और सिटी ये दोनों ऐड कर देंगे यहां पर। ऐड करने के बाद यहां पर क्राइटेरिया में आएंगे और क्राइटेरिया में हमें क्या देना है, क्राइटेरिया में हमें देना है महेश, क्योंकि इन्हीं का तो नाम हम करने वाले हैं अपडेट। यहां से अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करके यहां पे लिख देंगे शैलेश, जो भी नाम देना था तो यहां पे शैलेश कर दिया, ठीक है। और यहां से रन पे क्लिक कर देंगे तो दो रो अपेंड करेगा ये, सॉरी अपडेट करेगा, तो ये अपडेट हो गया होगा। अब यहां पे आते हैं तो देखिए यहां पर शैलेश और शैलेश आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से अपडेट क्वेरी काम करती है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।